सॉस्टिक प्रोडक्शंस में आए, 15 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, किस तरह से आपने कभी जुड़े हैं सिद्धार्थ सर के साथ कुछ अगर आप बता सकते? आज तक मैंने कभी कोई काम तो किया नहीं स्वास्थ्य के साथ में, लेकिन जो हमारा रिश्ता है बहुत ही प्यार का है, मान का है, सम्मान का है, आदर का है, रिस्पेक्ट का है, और यही रीज़न है कि जब वो चाहेंगे मैं तब जहाँ बुलाएंगे मैं आ जाऊँगा। और जहाँ तक बात करें काम करने की, मेरी इच्छा तो है ही, बिकॉज आई ऑलवेज से टू देम कि सर आपके शोज में जान होती है, आपके शो में तड़का होता है, बिकॉज दे आर जस्ट लाइक बंसाली ऑफ टेलीविजन। ओके, आपकी फिल्म आ रही है, फिल्म के बारे में कुछ बताइए, शूट हो चुका है, कब तक फिल्म आने वाला है दर्शकों को? कब तक फिल्म आने वाली है इस बात की चर्चा तो मैं अभी नहीं कर पाऊंगा, उसका पोस्टर रिलीज हुआ है और इसके बारे में ज़्यादातर बात कर पाएंगे मेरे प्रोड्यूसर्स, मेरे डायरेक्टर्स। मेरी तरफ से मेरा काम खत्म हो चुका है, मेरी तरफ से मैंने अपना काम ईमानदारी से निभा दिया है, बाकी क्या है ना, मैं अपने पापा की तारीफ करूँ तो क्या ही बात होगी, आप देखें आप बताएं तो अच्छी बात। कंगना जी के साथ भी कुछ आ रहा है आपका शो, कुछ अगर आप बता सके, फिल्म आ रही वो बताइए। ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा सर, ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा है। नहीं ऐसा कुछ नहीं आ रहा है, मैं अभी सुकून में हूँ, आराम में हूँ, जब कुछ आएगा तो आप मुझसे पहले शायद आपको पता लग जाएगा। सच में नहीं आ रहा है आप तो बहुत तेज है सर। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस बालिका वधु आपने किया शो, उसके बाद टू आया, शिवांगी जोशी ने किया, कैसा लगा रणदीप, आपने देखा वो शो, शिवांगी जोशी कर रही थी वो शो को, कैसा लगा आपको? नहीं एक्चुअली मैंने शो को इतना फॉलो किया ही नहीं, बिकॉज टेलीविजन जो है वो थोड़ा सा मैं बहुत ज़्यादा हटके आती है चीज़ें तभी देख पाता हूँ, क्योंकि आप देखते टेलीविजन? हाँ देखते, मैं बहुत सिलेक्टेड चीज़ें देखता हूँ। फिर आप क्या देखते हैं आप टेलीविजन में आजकल, क्या देख रहे हैं आप बताइए, कोई शो देख रहे हैं आप? मैं बहुत सारी फिल्में देखता हूँ, मैं बहुत सारे, टेलीविजन तो फिलहाल फॉलो नहीं कर रहा मैं, लेकिन OTT में ज़रूर फॉलो करता हूँ, अच्छी वेब सीरीज आएगी अभी मैंने देखने लगी, और खुद की भी लाइफ की जद्दोजहद होती है ना, तो आदमी उसमें भी। तो कौन सी वेब सीरीज आपने देखी इन दिनों? लेटेस्ट मैंने ख़त्म की दहन, इट इज़ गुड। क्या पसंद है आपको? देखो देसी पिन काफ़ी अच्छा लगता है वेब सीरीज में, जान तारा मैंने शुरू किया आज, और इंग्लिश में कमी देखता हूँ क्योंकि जहाँ मैं काम कर रहा हूँ मैं पहले उससे वाकिफ हो जाऊँ फिर वर्ल्ड सिनेमा पे जाऊँ। ये अच्छी बात लगी, क्योंकि जो हिंदी एक्टर होते हैं वो अंग्रेजी में ज़्यादा बात करना पसंद करते हैं और हिंदी में काम करते हैं, कई सारे एक्टर होते हैं नहीं तो, वो टैलेंटेड होंगे, मैं इतना टैलेंटेड नहीं हूँ। वो ज़्यादा अच्छे होंगे, लेकिन मैं मुझे लगता है कि जिस जबान में मेरा काम है पहले उस जबान को साफ किया जाए, उस जबान के बारे में सिनेमा को जाना जाए, और क्या बोल सकते हैं, किसी भी इंग्लिश वेब सीरीज को देखने से पहले या किसी भी मूवी को देखने से पहले गुरुदत्त साहब को देखना ज़रूरी है मेरे लिए, पहले मैं उस पर तो एक्सेल कर रहा हूँ फिर देखते हैं। ओके, जो जर्नी आपकी रही टीवी से लेके फिल्म तक आप कर रहे हैं, इसमें कितनी परेशानी आई, एज अ आउटसाइडर आप आए, उज्जैन से आप आए, तो यहाँ पर कितनी परेशानी हुई आपको एक कैरेक्टर को मिलना, क्या आउटसाइडर होना कितना परेशानी हुआ, कुछ हुआ क्या आपको परेशानी? क्या होती मतलब रोल हट जाना, ऐसा बोलते हैं ना कि किसी ने रोल ले लिया, वही मैं हाँ, तो कितना आपकी लाइफ में जर्नी में जो एक्टर की जो लाइफ होती है, अभी आप अपने घर से लेकर यहाँ तक आए, आपको ट्रैफिक मिला, किसी ने आपको कट मारा होगा, किसी ने आपको ओवरटेक किया होगा, तो कहीं भी पहुँचने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें तो आती हैं ना, अभी आपको कुछ रेसिपी तैयार करनी है तो उसमें आपको छींक भी आ जाएगी, कुछ मसाले ज़्यादा हो जाएंगे, कभी आपको तीखा लग जाएगा, तो परेशानी थोड़ी बोलोगे आप, जब आप बचपन में फुटबॉल खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे, धूप में खेल के आते थे, पसीने में लथपथ होते थे, तो आप थोड़ी बोलते थे कि मैं मेहनत करके आ रहा हूँ, वो सपोज टू एंजॉय द गेम, राइट, तो वो एक प्रोसेस है, उसको एंजॉय करना चाहिए, परेशानी इस तरह से मानता है लाइफ में कुछ होती है, जो चीज़ आपसे सॉल्व नहीं हो रही आप उसको परेशानी प्रॉब्लम का नाम देते हैं, ये फिलोसॉफिकल बात नहीं है, ये बहुत ही आम बात बोल रहा हूँ मैं, इसको समझना इतना मुश्किल नहीं है। जहाँ तक बात करें सवाल है आपका, वही मतलब क्या आपको इतनी रोल मिलने में, सर बेसिकली देखो क्या है, अभी आप कहीं भी आपको काम आता है, आप जुझारू हो काम को लेकर, आप में क्रिएटिविटी का पागलपन है, तो आपको कौन रोक सकता है, कोई भी नहीं, मिलने को परेशानी हो जाएगा, नहीं नहीं मिलने को परेशानी हो जाती है ना, फिल्म मिलने को परेशानी हो जाती है, लेकिन परेशानी वो आपने चूज कर रखी, तो मैं परेशानी का नाम क्यों बोलूं उसको, मैं हुआ है ना अभी, वही तो आपसे नहीं, मैं उसको स्ट्रगल नहीं मानता, इट्स अ प्रोसेस सर, ऐसी क्या होना, इंसान की फितरत होती है, जो उसके पास नहीं होता उसको वही चाहिए होता है, लेकिन जो है उसकी वैल्यू वो कौन करेगा, वो तो आप ही करोगे ना सर, तो चीजें जैसे लाइंड अप है, जो आपने सोच रखा है दिल से आपकी चीज के पीछे है, तो प्लानिंग है टेलीविजन में कम बैक करने की या आप अभी फिल्म में? मैंने कभी भी नहीं बोला कि मुझे ये नहीं करना, मुझे वो नहीं करना, हाँ मुझे आप कहानी दो, मुझे नुक्कड़ नाटक भी करना है,
कंटेंट तो हो, मैं कुछ ऐसा करूं जहां पे मेरी आत्मा तृप्त हो, जहां पर मुझे लगे कि नहीं मैं काम करने नहीं आया, मैं एंजॉय करने आया। काम काम लगता है ना तो फिर भारीपन लगता है। काम आपको फन लगना चाहिए तो आप उसको एंजॉय करते हैं। ओके, आखिर में अपने फैंस से क्या मैसेज देना चाहेंगे? खुश रहिए, बढ़िया रहिए, जिंदगी में कोई परेशानी कोई प्रॉब्लम की चीज़ होती नहीं है, उसको जैसे आप देखते हैं वो बड़ी होती जाती है अपने आप, तो उसको देखना ही बंद कर दो, अपने काम पर लगे रहें बस। थैंक यू सर।